दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हैं गोलाबड़ में ही। एक हमारे पुराना रिजल्ट था ब्रेन हेमरेज का, बहुत ही टफेस्ट कंडीशन के साथ वो गुजर रहे थे। सर आयकर विभाग में थे और कंडीशन क्या रही है, आप सभी लोगों ने की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अब क्या कंडीशन है, अब क्या कंडीशन है, अब क्या कंडीशन है। तो आइए दोस्तों, आज हम उनकी कंडीशन देखेंगे कि हम किस स्टेज पर बैठे हैं। देखो, हम किसी भी सफ़र में चलते हैं तो देखो दुर्घटनाएं वाजिब हैं, ज़िंदगी का एक पहलू है कि दुर्घटना कब और कहां कैसे आए किसी को कुछ नहीं पता है। आप भी अपने सफ़र में इसी तरह से चलते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में भी इसी तरह चलते हैं, तो इसी तरह से ट्रीटमेंट भी है। तो आज हमारे साथ सर का नाम जो है नौनिंद राम जी थे जिन सर, और इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। और आइए अब कंडीशन क्या है ये हम खुद ही देखते हैं। तो हमने जब देखा था तब क्या था कि उनका पूरा सिस्टम ख़राब हो रखा था। अब कहाँ किस स्टेज तक हैं वो आप खुद देख सकते हैं। अब ये पहचान लेते हैं, और इनके साथ इनकी वाइफ बैठी हुई है और राज भाई हैं। तो अब क्या है मैम, आप बताएं थोड़ा सा। इनको बुखार आया था हाँ। फिर मतलब अस्पताल ले गए थे हाँ। फिर वहाँ से लेके इन्हें मतलब घर पे लेके आए, तो पहले से मतलब अब बेटर हो गए हाँ। अब आप यकीन करेंगे, आप हम छत पर बैठे हैं जी, थोड़ा बोलने की कोशिश करते हैं तो रोने बैठ जाते हैं हाँ, बोलते हैं तो ये रोने लग जाते हैं। बात को तो सारी को समझते हैं ये हाँ, हाँ। और मतलब जीने से भी चढ़ जाते हैं हाँ। और फिर उतर भी जाते हैं मतलब होते हाँ। अच्छा ऑफिस भी जा रहे हैं, साइन वाइन कर रहे ऑफिस भी जा रहे ऑफिस भी जा रहे बोलो ना हाँ, मैं ऑफिस भी जाता हूँ। ऑफिस जा रहे बोलो हाँ करो हाँ। थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि हम आए और हाँ बोले की बहुत कोशिश करते हैं। ऑफिस जा रहे हो ना राज भाई, क्या लग रहा है? नहीं, पहले से बहुत काफी बेटर स्थिति है। और पहले जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था उस समय इनका माइंड बिल्कुल ब्लॉक था, लेकिन आज इतनी कंडीशन, एक डेढ़ महीना फीवर होने के बाद भी ये ट्रीटमेंट लिया इन्होंने, एक डेढ़ महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ये समझ लीजिए आज 4-5 महीने हो गए, लेकिन माइंड अभी तक इनका बिल्कुल फ्री काम कर रहा है नहीं, और आगे और बेटर हो जाए। तो माइंड बिल्कुल बहुत अच्छा है था, डॉक्टर ने बोला था डेवलप हो रहा है। तो ये कंडीशन है, और अभी ये मतलब उठ भी जाते हैं थोड़ा सा अगर सहारा लगाया जाए तो, अगर उठ सकते मतलब थोड़ा चल चल चलो चल लेते हैं वैसे। अरे वाह, हाँ ना थोड़ा सा धूप खाई जा रही है बढ़िया। तो माइंड प्रॉपरली वर्क कर रहा है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, अरे हट गई भाई, हट गई, अरे हट गई, बैठो ना। देखा तो ये है सर, मतलब हमारे आयुर्वेदा का, और मैम ने भी कहा कि जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो करती हैं, और अब उनके भरोसे भी हमें चलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम उनके भरोसे नहीं चल सकते, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये कंडीशन है दोस्तों, और आप सभी का प्यार मुझे इन तक दोबारा खींच कर लेके आया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलकर। तो इन्होंने तो आयुर्वेदक को अब इतना दोबारा से ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 महीने इनको फिर से गैप हो गया था, क्योंकि ये आईसीयू में थे दोबारा से, और वहाँ से फिर ये दोबारा से फीवर जब इनका कम हुआ है ड्यू टू कोरोना और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब बेटर है कंडीशन। अब ये चल रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, अपना जो रोज़मर्रा का काम है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं। जो बोलने की स्थिति है वो धीरे धीरे आगे रिकवर होगी आगे से। अब आंटी ने कहा है कि अब दोबारा से करेंगे। चलो देखो दोस्तों, ये तो आयुर्वेदा के साथ जुड़े हुए हैं, मैं भी चाहूँगा आप सब लोग दोबारा से कहना चाहूँगा कि आयुर्वेदा के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। धन्यवाद।